तो जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी सम्मान करें, सम्मान कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि तो देश का जो कानून है वो हमारे देश के लिए ही बना है, देश के हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई सभी के लिए बना हुआ है। कोर्ट का लोग सम्मान करें, चाहे वो किसी के घर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो मंदिर का हो या गुरुद्वारे का हो। इसकी हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे, इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। देखिए सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का है और देश के कानून का है। कानून बना इसीलिए है कि लोग उस पे जो है कानून को माने। सरकार किसी की भी हो कानून सबके लिए है। फैसला जो भी कोर्ट करता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सम्मान सभी करते हैं, क्योंकि सम्मान का जो है सम्मान करना ये हमारा फर्ज है। अगर कोर्ट ने फैसला किया है तो जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी सम्मान करें, सम्मान कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि तो देश का जो कानून है वो हमारे देश के लिए ही बना है, देश के हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई सभी के लिए बना हुआ है। कोर्ट का लोग सम्मान करें, चाहे वो किसी के घर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो मंदिर का हो या गुरुद्वारे का हो, सम्मान सम्मान है। कोर्ट का फैसला फैसला होता है, सभी को सम्मान करना चाहिए। बाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट। विष्णु जी, जो व्यास आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए इसमें जो आधार बना है मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे, इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। टुडे दी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज डिसमिस्ड the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders were in the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thekana, the Vyas cellar in Gyan Vyapi complex will continue.